खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कार ने बंद हो रहे रेलवे गेट को ठोका, मोबाइल चोर गिरफ्तार, हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन का इंजन फेल। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत कनान परिसर के बंद हो रहे रेलवे गेट को आज सुबह एक कार ने जोरदार तरीके से टक्कर मार दी। इससे रेलवे गेट को काफी क्षति पहुंची। कुछ देर में ही इस गेट से ट्रेन गुजरने वाली थी। यदि उस वक्त यह हादसा होता तो जनहानि होने की प्रबल आशंका थी। रेलवे सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक मोहम्मद मुगिसुद्दीन ने बताया कि कनान परिसर के जबलपुर रेलवे गेट क्रमांक 561 को किसी ट्रेन के आने की सूचना मिलने से बंद किया जा रहा था। यह गेट बंद ही हो रहा था कि तभी एक महिला बैंक अधिकारी की I-20 कार वहां पहुंची। कार चालक ने शॉर्टकट मारकर गेट को पार करने की कोशिश की, तभी कार गेट से टकरा गई। इससे गेट को काफी नुकसान पहुंचा। रेलवे सुरक्षा बल ने तुरंत ही रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही कर संबंधित कार चालक को गिरफ्तार कर कार को कब्जे में ले लिया है। आरोपी को कल रेलवे कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी खबर, पाचपावली पुलिस ने मोबाइल चोरी में लिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर 3 मोबाइल जब्त किए हैं। आरोपी हुड़को कॉलोनी नारा रोड निवासी मंगेश रमेश मालखेड़े है। फरियादी पंचशील नगर निवासी संतोष फुलमाली की जेब से 23 जुलाई को दोपहर 1:30 पर अज्ञात आरोपी ने उनका मोबाइल चुरा लिया था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मंगलवार को तड़के 3 बजे पुलिस टीम को गश्ती के दौरान वैशाली नगर गार्डन के पास मंगेश संदिग्ध स्थिति में घूमता दिखाई दिया। उसे थाने लाकर पूछने पर मोबाइल चुराना कबूल किया। चोरी के 3 मोबाइल भी बरामद हुई। तीसरी खबर, ट्रेनों के इंजन फेल होने की घटनाएं इन दिनों बढ़ गई है। हाल ही में एक मालगाड़ी के इंजन के फेल होने से वर्धा में विदर्भ एक्सप्रेस लगभग 1.5 घंटे तक अटकी रही थी। इस बार हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन का इंजन फेल हो गया, इससे यह ट्रेन लगभग 1 घंटे तक अटकी रही। यह घटना कलमना के आगे नागपुर आउटर पर हुई। इससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन रायपुर से नागपुर की दिशा में आ रही थी। इस ट्रेन का इंजन कलमना स्टेशन के आगे नागपुर आउटर के पास फेल हो गया। यह घटना शाम करीब 6:30 पर हुई। सूचना मिलते ही रेल प्रशासन हरकत में आ गया और इंजन की मरम्मत और अन्य इंजन का प्रबंध करने की कोशिशें तेज हुई। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।